अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजुमारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, ये पार्ट हमने पहले बता चुकी हूँ, जो मैंने बोला था कि इसका दूसरा पार्ट मैं इस पे हम बताऊंगी। तो उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो चलिए हम इस पे शुरू करते हैं। इसमें हम ये वाला कलर लगाएंगे और ये किस तरह से हम बनाएंगे आप देख लीजिए। देखिए इस तरह से हमें चैन ले लेना है और उसे बांध देना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से एक चैन लेंगे, फिर इसमें एक दो तीन चार और ये पांच, इस तरह से हमें बनाना है। और फिर देखिए उसके बाद ये फिर हमें एक चैन लेंगे और फिर उसी तरह से पांच बार इस तरह से हमें लंबाई टानेंगे और पांच बार इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से करके हमें आठ बार पूरा बनाना है। तो देखिए ये पूरा हमें आठ बार इसी तरह से बनाना है लड़ी जैसा। और ये हम सारे, ये जो दिख रहा है ये सारा जो जाली है इसी के अंदर हमें स्टिच करना है। अगर आप चाहें तो ये वाला लड़ी आठ आठ करके पूरा बना दे और उसके बाद इसमें ज्वाइन कर दे, और नहीं तो ये जिस तरह से हम बताए हैं उसी तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे पूरा एक बना के दिखाते हैं। तो देखिए ये आठ लड़ी हम बना के तैयार कर चुके हैं। अब हम इसे यहाँ पे कट कर देंगे। ये देखिए दो चार छः आठ, इसी तरह से ये पूरा लड़ी हम इसमें, पूरा ये जो चैन दिख रहा है इसी में हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये पूरा लड़ी 28 चैन है, तो 28 इस तरह से ये लड़ी बनेगा। तो आप चाहे तो आप अलग अलग बना के जोड़ सकते हैं या नहीं तो इसी में जोड़ सकते हैं। तो देखिए, तो देखिए ये हमने बहुत सारा लड़ी पहले से ही बना लिया है ताकि इसमें आसान हो, और इसमें हम एक एक करके सारा जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका भी देख लीजिए, वो भी हम आपको बता देते हैं। इसी तरह से हम एक एक करके सारे चैन में ज्वाइन करके फिर आपसे मिलते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों ये पूरा हमने ज्वाइंट कर लिया है और ये इस तरह से आएगा। अब हम इसे एक एक लड़ी को लेकर एक एक में फिर से हमें ज्वाइंट करना है। देखिए, तो ये जो जाली था, जो इस ये जो हमने बनाया है, जो कली बनाया है, इस कली पे जो जाली था वो 28 जाली था, और 28 जाली में ये 28 लड़ी हमने बनाया है। आपको जितना बड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे जोड़ना सिखाते हैं किस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने वाइट कलर लगाया है, और इस वाइट कलर में इसमें से देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे।
इस तरह से, ये देखिए सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात। आपको ऊल के हिसाब से ही आपको चैन लेना होगा, मेरा ऊल पतला है तो इसलिए हम ये सात चैन लिए हैं। देखिए सॉरी, यहाँ पे आठ चैन ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से आठ चैन लेने के बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए दो कली हो गया, फिर से हमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर यहाँ पे इस तरह से लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पाँच बन गया है, अब हम इसमें आठ चैन नहीं लेंगे, नौ नौ चैन लेकर ये तीन बनाना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, नौ चैन लेने के बाद इस तरह से ये बनाएंगे। नीचे हमने सात चैन लिया है, तीन और तीन हम नौ चैन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और नौ, फिर नौ चैन लेंगे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर इसमें देखिए सिंगल चैन बनाते हैं। अब हम दस चैन लेंगे, फिर जो दो है इसमें हम दस चैन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये देखिए फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये दस। तो देखिए दस चैन हम ले लिए हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार चैन लेंगे और इसी में हम सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। फिर एक दो तीन चार, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चार, फिर इसी में सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह का आपका लुक आएगा देखने में, नहीं तो बाद में आपको झालर बनाना पड़ेगा, तो हम इसी में साथ साथ बना दे रहे हैं। फिर इस तरफ भी उसी तरह से चैन बढ़ाना है। देखिए इसमें दस चैन लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन लेने के बाद इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए फिर इसमें भी दस चैन लेंगे और इसमें नौ नौ चैन लेकर तीन बनाएंगे, फिर आठ आठ चैन लेकर तीन बनाएंगे। तो फिर हम यहाँ तक बनाते हुए आते हैं। तो देखिए इसका लुक किस तरह से आ रहा है। अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब हम यहाँ दो चैन लेकर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे इसमें। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने नीचे में सात चैन लिया, आठ चैन जहाँ लिया है वहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच चैन लेकर यहाँ पे ये जो है इसके बीच में हमें इस तरह से करना है। फिर एक दो तीन चार पाँच,
पांच चरण लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक दो तीन, तीन चार और ये पांच, फिर इस तरह से घुमाकर इसके बीच से हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। एक दो तीन चार पाँच, ये देखिए, फिर इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर उसी तरह से यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चार पाँच, और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे पाँच बच गया है, तो पाँच को हम फिर से, ये जो तीन है तो जहाँ हमने नौ नौ चैन लिया है वहाँ पे छः छः चैन अभी बढ़ाना है। एक दो तीन चार पाँच छः, और फिर इस तरह से फिर एक दो तीन चार पाँच छः, फिर यहाँ पे तो देखिए ये छः चैन है, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, आपको चैन बढ़ाते हुए जाना है। ये देखिए फिर इसमें से हम यहाँ पे फिर एक दो तीन चार पाँच छः, फिर इस तरह से बांध देंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच छः, फिर इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः, फिर इस तरह से देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम यहाँ पे सात चैन बढ़ाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पे सात चैन, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, और फिर इसमें ऐड करना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से आपका लुक आएगा, नीचे में कम जाली है ऊपर में ज़्यादा है। फिर उसी तरह से एक दो तीन चार चैन लेकर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर एक दो तीन चार, और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चार, फिर सिंगल क्रोशिया, और फिर इसी तरह से। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम ये देखिए एक दो तीन चैन ले चुके हैं, चार पाँच छः सात चैन, जिस तरह से हम इधर लिए हैं उसी तरह से यहाँ भी सात चैन लेना है, और फिर इसमें लेकर इस तरह से स्टिच कर दीजिए। देखिए फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये दो में सात करेंगे और नीचे वाले में तीन में छः करेंगे, और उसमें तीन उसके नीचे वाले में पाँच करेंगे छः, इसी तरह से हमें
ये देखिए ये सात चैन है। अब हम ये जो एक दो तीन बनाएंगे तो इसमें हम छः चैन बनाएंगे और बाकी जो ये तीन है इसमें हम पांच चैन बनाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक पूरे कंप्लीट करके आते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर हमें एक दो तीन चार पांच चैन लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चार पांच और इसमें सिंगल क्रोशिया। ये दूसरा वाला है, देखिए ये दूसरा है जिसमें हम अभी तक नहीं बनाए हैं। और ये जो है ये है एक दो ज्वाइंट कर चुके हैं। इसी तरह से करके हमें सारा ज्वाइंट करना है। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच चैन लेंगे और फिर इस तरह से इसमें ज्वाइंट करेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर पाँच चैन लेने के बाद इसमें ज्वाइंट करेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच, फिर एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। ये देखिए ये तीन कली हम पांच पांच करके ज्वाइंट कर दिया है। अब हमें छह चैन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छ। ये भी तीन चैन हमें छः छः चैन तीन कली हमें छः छः चैन लेना है और ये जो दो है इसमें हम सात चैन लेंगे। दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। एक दो तीन चार पाँच छः सात चैन अब लेंगे, ये दो बच गया है। तो देखिए यही यही जो है इस पर भी बनेगा। जिस तरह से ये हमने जोड़ा है इसी तरह सारा हम कंप्लीट करके फिर आपसे आपको दिखाते। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये जो है लास्ट है तो इसे हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। देखिए किस तरह से ये ज्वाइंट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करके इसे स्टिच करके यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिए ये कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। बताने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।